एक मिनट को रुको 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 ये नकली शराब बनाने की फैक्ट्री जो आज पकड़ी है, क्या मामला है? आज नुपुर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जेल के सामने शंकर यादव का मकान है, उसमें पंकज लोधी है, उसका गोदाम किराए पर लिए हुए है, उसमें अवैध रूप से भारी मात्रा में अवैध शराब के रखीला भरा हुआ है। उस सूचना पर से दबिश दी गई तो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक खनेदा नाका है, 5 आरोपी मैगांव थाना क्षेत्र के हैं जो जिला भिंड में लगता है। वहाँ से काफ़ी मात्रा में बारदाना पकड़ा गया, 25 पेटी देसी शराब भी पकड़ी गई थी तथा 150 लीटर ओपी शराब पकड़ी गई थी। उसके बाद जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मुहार में जो भौती का हाल लगता है उसमें शराब की फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ से हम निर्माण कर रहे हैं तथा लोगों को जगह जगह जाके बिक्री कर रहे हैं। उस सूचना के आधार पर वहाँ दबिश दी गई तो करीब 450 लीटर ओपी शराब पकड़ी गई है और काफ़ी मात्रा में बारदाना पकड़ा गया है, आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है वहाँ से। ये कुल कीमत इसकी कितनी आगे जा रही है? करीब 1 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत है जी। इसमें कुछ स्टिकर भी मिले हैं जो कि सरकारी तौर पर उपयोग किया जाता है, ये हाथ से बनाते हैं, मशीन मिली हुई है और काफी बारदाना मिला, रैपर भी मिले हैं और हूबहू नकल बिल्कुल वैसी बनाई जाती है जैसे देसी शराब गवर्नमेंट जो बनवा रही है। कितने आरोपी टोटल इसमें हैं? जो नंबर बताया गया है वो धार जिले का बताया जा रहा है, उसकी बारकोड की जा रहे हैं, कर रहे हैं, जो बारकोड उसमें लिखा हुआ है धार जिले का नंबर है, उसके संबंध में विवेचना की जा रही है और कार्रवाई अभी चल रही है। कितने टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार? 7 आरोपी गिरफ्तार हुए अभी। कितने महीने से बस चला रहे थे? ये करीब 5 माह से चला रहे हैं।